की टीम इस समय सुल्तानपुर जिले के विकास खंड कोणवार के ग्राम सभा रन के डी पहुंची है। यहां से पहली बार नवनिर्वाचित प्रधान राजेश कुमार मौर्या जी हैं। राजेश कुमार मौर्या जी से बातचीत करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से अपनी ग्राम सभा का विकास करेंगे, इन्होंने अपनी ग्राम सभा में विकास के क्या मुद्दे रखे हैं अपने ग्राम सभा वासियों के सामने, और सबसे बड़ी बात रही कि ये पहली बार ही चुनाव लड़े हैं और पहली बार ही इन्हें सफलता मिल गई। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है कि वे लोग कई बार कई वर्षों तक प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और चुनाव हार जाते हैं, और ये ऐसा क्या कार्य सामाजिक कार्य किए या समाज के बीच में कौन सा कार्य किए हैं जिसे समाज में इतनी बड़ी लोकप्रियता रही, उसी लोकप्रियता की जांच पड़ताल के लिए हम राजेश कुमार मौर्या जी के पास आए हैं और राजेश कुमार मौर्या जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले राजेश कुमार मौर्या जी, आपका हमारे न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम अपने ग्राम वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हमें इतनी कम उम्र में इस पद पे रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हो सकेगा उसे विकास कार्य जो भी हो सकेगा मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए राजेश कुमार मौर्या जी, आप शिक्षित हैं, ग्रेजुएशन हैं और नवयुवक भी हैं, तो ये दोनों बातें आप पर ही लागू होती हैं कि आप अपनी ग्राम सभा का किस स्तर से विकास करेंगे। तो आपके साथ सीधी बात नहीं कि नवयुवक जो रहे होंगे, आपके युवा वर्ग रहे होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे होंगे, तो उन युवाओं के लिए आपने कोई खास योजना बनाई जिससे वो आपके युवा वर्ग का लाभ पा सके? नहीं नहीं बिल्कुल सर, जो भी हमसे हो सकेगा जिस लायक जो है वो पूरा प्रयास रहेगा सर, सबको ज्यादा। जैसे कि युवाओं के लिए खास योजना ये होती है खेल का मैदान, तो आपके ग्राम सभा में खेल का मैदान है? खेल का मैदान के लिए जगह तो नहीं है, बाकी हम जगह का प्रयास कर रहे हैं, जो भी जगह वो कहीं जगह चयनित करके उसको साफ सफाई करके उसको खेल के मैदान के रूप किया जाए। अच्छी बात है, युवाओं आप कार्य करिए क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं की मन की बात और युवाओं के दिल की बात को आप समझ सकते हैं क्या जरूरी है। जो आपके ग्राम सभा की महिलाएं हैं, नवयुवतियाँ हैं, इनके लिए कोई खास योजना आपने चलाई है प्रधानमंत्री? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, उद्यम विभाग से कुछ योजनाएं संचालित हैं लोग जो कि हमारी पहुंच से अभी भी दूर हैं। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा जो भी उद्यम विभाग से जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको हम गांव में ला के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करेंगे और रोजगार भी मिलेगा। तो इसके पहले वो योजना आपके यहाँ गठित हुई है कि आप ही उसका गठन करेंगे? नहीं नहीं, इससे पहले यहाँ स्वयं सहायता समूह लगभग 5-6 स्वयं सहायता समूह है जो लगभग मान चलिए 10 साल से संचालित है। जी बिल्कुल, जो आपके यहाँ के बुजुर्गों के लिए कोई खास योजना है? बुजुर्गों के लिए जो भी पात्र लोग हैं बिल्कुल उनकी हमारी प्राथमिकता यही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब जितने भी लोग हैं सबकी पेंशन वृद्धावस्था पेंशन बनवाएंगे। अच्छी बात है, बुजुर्गों की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, अब बात होती है बच्चों, क्योंकि बच्चे ही देश के हमारे भविष्य हैं और उनका विकास इसी ग्राम सभा के स्तर से ही घर से ही होता है। तो जो आपके यहाँ प्राइमरी विद्यालय है वो कंपोजिट मॉडल प्राइमरी विद्यालय है या पुराना प्राइमरी विद्यालय? नहीं नहीं, कंपोजिट मॉडल विद्यालय है, बाकी उसके लिए हमने प्राथमिकता में ही रखा कि हमने जो विकास कार्यों की शुरुआत की तो सबसे पहले विद्यालय के कार्यकल्प के तहत स्कूल में डेस्क बेंच का कार्य किया। जी, उसके लिए दूसरा काम ये कि हमारा इंटरलॉकिंग जो वहाँ सड़क से विद्यालय तक आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं बेहतर था, तो उसके लिए हमने इंटरलॉकिंग का भी कार्य कराया जो भी अभी थोड़ा अधूरा है, आने वाले 2-4 दिन में पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, जैसे इस समय बरसात का समय चल रहा है तो जल भराव एक बड़ी समस्या हो रही होगी आपके ग्राम सभा में, तो उसके लिए कुछ कार्य चल रहे हैं? जल भराव की जहाँ बात करते हैं तो जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत अगर कुछ जल भराव की समस्या थी तो वहाँ हमने कुछ ना कुछ जो भी उस व्यवस्था में जो कुछ होता है हमने वहाँ व्यवस्था कर दी है कि जल भराव ना हो। अच्छी बात है, आवास कुछ लोगों का आया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे कार्यकाल में लगभग 11 लोगों का आवास आया है जिनमें सब मान के चलिए माइनॉरिटी जनरल और SC सभी वर्ग सभी वर्ग शामिल हैं। अच्छा, जैसे प्रधान जी हम ये देखते आए हैं कभी कई प्रधानों पर यह आरोप लगता है कि जब आवास आता है लैट्रिन की बात होती है या ऐसे कई योजनाएं हैं तो प्रधान उसमें कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं, उनका कुछ शेयर होता है, तो आपने वो पैसा कितना लिया? नहीं नहीं, पैसे की बात तो हम नहीं करेंगे, बाकी जो कुछ है जो कुछ जैसे पूर्व में चला आ रहा है वैसे मान के चलिए हमारे भी कार्यकाल में भी रहेगा। पैसा लेंगे आप? नहीं पैसा नहीं लेंगे इस तरह से भाई,
बाकी उस पैसा लेने के कई रूप नहीं, क्योंकि ऐसे आरोप प्रधानों के ऊपर हमेशा से लगता आया है कि प्रधान जी ने आवास के नाम पर हमसे 10,000 रुपए लिए, पट्टे के नाम पर लिए, कई ऐसी योजनाएं हैं, तो वो पैसा आप भी लेंगे? नहीं नहीं, पैसा नहीं, सब पैसा नहीं लेंगे, एकदम साफ सुथरी छवि वाले प्रधान आप सारे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मान के चलिए हम तो अभी हमारी शुरुआत है, हमको बेहतर भविष्य बनाना है। बिल्कुल, अगर आप इसी प्रकार से पारदर्शिता से कार्य करेंगे तो भी आपकी नई ऐसे है, बिल्कुल राजनीति का पहला कदम आपका है और आपकी ग्राम सभा वासियों ने आप पर बहुत ज्यादा उम्मीद जताई है, तो उन्हीं उम्मीदों को पर आप खरा उतरेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी ग्राम सभा वासी, आपकी जनता फिर एक बार आपको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। और अगर अच्छा जैसे आपकी ग्राम सभा या आपकी जो जनता ये चाह रहे हैं कि आप किसी बड़े स्तर का चुनाव लड़ें और बड़े स्तर के चुनाव से उनका कुछ कार्य करें या सेवा करें, तो ऐसा कार्य करें? अभी तो हमारा प्रयास यही रहेगा, कभी कम से कम 10 साल उसके बाद ही कोई बड़ा चुनाव लड़ें, जैसे जिला पंचायत या फिर जी। बिल्कुल, अभी प्रधान के रूप में ही कार्य करना चाहिए। इस समय जैसे महामारी का दौर चल रहा है, तो महामारी के दौर में वैक्सीनेशन का कार्य कहां जोरों पर हो रहा है, तो आपने जागरूकता का कार्य करवाया? लगभग मान के चलिए 2 महीने में हमने कई बार अनाउंसमेंट भी करवाए, मैक्सिमम वैक्सीनेशन का कार्य। अच्छा प्रधान जी, आप अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में अपने कोलवार विकास खंड में कैसे जी? बिल्कुल, हमारा मेन उद्देश्य यही है, ऐसा कि 5 साल का कार्यकाल होता है, हम थोड़ा थोड़ा अगर कुछ करेंगे तो आने वाले 5 साल में हम इसको एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देख पाएंगे। अच्छी बात है, आप अपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित कीजिए। और सब बातें होंगे, आखिरी में एक सवाल आप सबका कि इस प्रधानी के चुनाव में आपने पैसा लगा नहीं? पैसे का तो हमने कोई पैसा जोड़ के वोट नहीं खरीदा, पैसा देकर कोई जोड़ ही नहीं, हमने समय खर्च किया है। कुछ एक दायरा होगा ना कि इतना लगभग हुआ है? नहीं नहीं, पैसे का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पैसा खर्च कर दिया, मतलब पैसा इतना खर्चा कर दिया, कोई लिख के तो रखे नहीं है कि क्या खर्च, फिर भी जैसे 10,000, 20,000, 1,00,000 ऐसा कुछ नहीं। जैसे सभी लोग पैसा भी खर्चा करते हैं, दारू वगैरह भी पिलवाते हैं, आपने वोटरों को लुभाने का कार्य नहीं, वोटरों को लुभाने का कार्य नहीं किया, जो कुछ हमको जो वोट मिला है वो हमको उम्मीदों से मिला है कि हमारे लिए बेहतर करेंगे, तो उसी उम्मीद को आप जगाए रखिए, बरकरार रखिए, क्योंकि जनता जिस उम्मीद से आपको नियुक्त की है फिर जनता पर भरोसा कायम है। जी बिल्कुल, आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया नाउ 24 से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शर्मा, अयोध्या, हेड जोन, लखनऊ।